कि हम लोग सब एक साथ में है, हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कोलकाता पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई है उसमें तेजस्वी यादव भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने मीडिया को भी संबोधित किया है और एक अलग ही ऊर्जा में नजर आ रही है। बता दें कि जबरदस्त तरीके से मीडिया के सामने आकर उन्होंने बीजेपी को अपने निशाने पर लिया। सबसे पहले देखिए ये जो बयान सामने आया है मीडिया को संबोधित करते हुए, वो सुनिए। उसका बाद में तैयार करे, बाद में कहा जाना है कहा नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए। बहुत बड़ा हीरो बन गया कोई कुछ नहीं करके, मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडा गद्दारी करके, ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिल के हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। ठीक, आई थिंक इट इज ओके। तेजस्वी कुछ बोलो। नहीं नहीं हो गया, बात हो गई तो ठीक है। थैंक यू, आई थिंक यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन। একজন দুজন বেশি না বলো। হ্যালো, তোমরা কিন্তু নেগেটিভ করে নেগেটিভ করবে না। বিজেপি শিখিয়ে দিলে সবাই মিলে বসলে তবে তো আলোচনা হবে। লেট দেম সিট টুগেদার, দেন দে উইল ডিসাইড দ্য নেক্সট কোর্স অফ অ্যাকশন। এনআই কি বলছে? এই দেখুন, এগুলো আপনাদের চিন্তা করতে হবে না। অল আর টুগেদার, অল আর টুগেদার, দেশ কা জনতা লড়েঙ্গে বিজেপি কা সাথ, অ্যান্ড অল পার্টি উইল ওয়ার্ক টুগেদার। Was there a discussion on 1:1 formula against the BJP across all seats in the country? देखिए, जब बैठेंगे बात करेंगे तब ये सब बात में डिस्कशन होगा। अगर थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो ये सब बात पे कोई गड़बड़ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो क्या आप इस पर और सोच विचार होगा क्या अगली मीटिंग? हां, तो बात तो होने वाली है, रीजन सब सब बात तो कही दिया गया। तो देखा आपने, साफ तौर पे ममता बनर्जी का ये कहना है कि मीडिया के सहारे या फिर जैसे भी हो झूठी वीडियोस बनाकर बीजेपी हीरो बन गई है, लेकिन अब बीजेपी को हीरो से जीरो पर लाना है और इसके लिए हम सभी एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर ही काम करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब थीम क्लियर है, विजन क्लियर है, मिशन क्लियर है, तो बाकी की जो सारी चीजें हैं वो भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएंगी। तो जबरदस्त तरीके से आपको बता दें कि ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साधते नजर आई हैं, और हालांकि बहुत ज्यादा उन्होंने नहीं बोला, बोला कि अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, जिस तरीके का भी फैसला सामने आएगा वो सब कुछ समय आने पर बता दिया जाएगा। बगल में बैठे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों मुस्कुराते नजर आए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने एक न्यूज 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि वाकई में विपक्षी एकता को मजबूती दे पाएंगे नीतीश कुमार।